आज हम लोग राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित परीक्षा में वर्णमाला पे आधारित जो चैप्टर है रीजनिंग का उसके दूसरे भाग को करेंगे, जिसमें पहले हम लोगों ने संख्याओं के क्रम के बारे में देख लिया है कि अक्षर का कौन सा क्रम होता है, उसके आधार पे हमें अक्षर ढूंढने होते थे। आगे हम लोग करते हैं, इस टाइम में क्या करना है कि दिए गए शब्द के अक्षर से नया सार्थक शब्द हमें ढूंढना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें कोई शब्द लिखा होगा, उसमें जो अक्षर आए हुए हैं, अक्षर जो प्रयुक्त हुए हैं, उसमें अक्षरों से नए सार्थक शब्द कौन से होंगे। आपको चार ऑप्शन पेपर में मिलेंगे, उसमें से आपको ये ढूंढना है कि सही सार्थक शब्द कौन सा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अक्षर आया है आई एम पी ओ एस एस आई बी एल ई, इन अक्षरों में से एक अक्षर एक ही बार प्रयोग करते हुए नया शब्द क्या बनाया जा सकता है। तो नया शब्द हम क्या बना सकते हैं बच्चों बताइए? बॉस। बॉस। बी एक ही बार प्रयोग करना है, बी हो गया लॉस, ओ हो गया एंड यस बॉस, एक बॉस हो गया, दूसरा लॉस बताया, लॉस भी बन सकता है आईपीएल एनपीएल, ठीक है ना। तो ये हमारे दो सार्थक शब्द बन जाएंगे, बॉस और लॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है ऑप्शन जो मिलेंगे उन ऑप्शन से हम उल्टा काम करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे जो अक्षर है वो उन अक्षरों में है या नहीं है, ठीक। जैसे बी था तो बी को हमने कैंसिल कर दिया, ओ यहाँ पे कैंसिल कर दिया, एस को कैंसिल कर दिया, एस को कैंसिल कर दिया, तो हमारा इसे बन गया ना। और ये बॉस का मतलब भी हमें पता है, ये सार्थक शब्द है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से कर लेंगे। पेपर में अगर आप फंस जाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप ऑप्शन का जो होगा उसकी हेल्प लेंगे और उन चारों देखेंगे कौन सा अक्षर उसमें से मिसिंग है, जो मिसिंग होगा उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे, जिसमें सारे अक्षर मिल जाएंगे वो हमारा क्लियर हो जाएगा। आज देखेंगे टाइप टू में क्या होगा, कुछ ऐसे दिए जाते हैं पेपर में, क्वेश्चन आते हैं कि वर्णमाला में जो अल्फाबेट होता है उसके क्रम पे हमें दिए गए शब्दों को ऑर्डरिंग करनी होती है, उनका क्रम लिखना होता है, उनका क्रम लिखना होता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ये हमारे पास चार शब्द हैं, पहला प्रैंक है, फिर प्रेज है, प्रैक्टिस है एंड प्राउड है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, जो पहले आएगा उसका क्रम भी हमारा शब्द का पहले होगा। तो हम लोग पेपर में सॉल्व कैसे करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि पहले वाला जो लेटर होगा वो पहले आया किसमें है, जिसमें आएगा उसको हम नंबर एक पे मानेंगे। तो यहाँ पी है, यहाँ पी, हम कैंसिल करते चलेंगे, पी कैंसिल करेंगे, पी कैंसिल करेंगे, मतलब सभी में है तो अभी हमें कोई डिसीजन नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे, अभी भी हमारा डिसीजन कुछ भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट जो अल्फाबेट है ए है, ए है, ए है एंड ओ है। यहाँ ओ आया और यहाँ ए थे, इसका मतलब ए के बाद में ओ आता है, तो ये हमारा लास्ट वाला ऑर्डर में वर्ड होगा, शब्द चला जाएगा, प्राउड मतलब जो होगा सबसे बाद में आएगा, क्लियर। चलिए अब हमारे पास तीन बचे, प्रैंक, प्रेस, प्रैक्टिस, फिर से देखते हैं, पी तीनों में है, आर तीनों में है, ए तीनों में है। अब बात करते हैं जो फोर्थ लेटर है एन, यहां पे क्या है, एन है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे सी है। तो अल्फाबेट में एन पहले आता है, आई पहले आता है, सी पहले आता है, सी। क्या आता है पहले, सी। तो इसका मतलब इस वाले वर्ड को हम दे देंगे सीक्वेंस में नंबर पहला नंबर वन, तो हमारा वन डिजिट यहाँ पे हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास अब दो वर्ड बचे, प्रैंक और प्रेस। अब इसमें हम लोग फिर से टैली करेंगे, पी इसमें भी है, इसमें भी है, आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, आई, चौथा लेटर जो यहाँ पे आया है आई है। तो आई क्या आता है, एन से पहले आता है, कहाँ आता है, पहले। तो हमारा वर्ड भी जो ये होगा प्रेस, प्रैंक से पहले होगा, इट मीन्स इसका नंबर हो जाएगा दो और ये बचेगा ये नंबर तीन हो जाएगा। और इस प्रकार से हम आसानी से उस क्वेश्चन में उनकी ऑर्डरिंग कर लेंगे।
यहाँ ध्यान रखेंगे पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछ लेते हैं कि दिए गए शब्दों के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके क्रम में तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द होगा, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहला शब्द हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे जहां फ्रेंक होगा उस पे हम अपना मार्क कर लेंगे, टिक कर लेंगे, वही हमारा सही जवाब करेंगे। जिसमें क्या है टाइप थ्री में दिए गए शब्द में ऐसे जोड़े हमें ढूंढने होंगे जिनके अक्षरों के बीच उतना ही अंतर हो, यहां ध्यान रखेंगे उतना ही अंतर हो जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जो शब्द दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा जोड़ा बिल्कुल फिट वैसे ही बनता है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, हम पेपर में ध्यान रखेंगे हम जो अल्फाबेट जो दिया गया होगा वर्ड उसमें अल्फाबेट जो पहला लेटर होगा वहां से शुरुआत हम करेंगे। जैसे यहाँ पे जो वर्ड शुरुआत हुआ है डी से शुरुआत हुआ है तो हम लोग डी के बाद में क्रम से बढ़ते रहेंगे जैसे अल्फाबेट में हम लोग चलते हैं। डी के बाद में ई आता है तो ये हमारा इसका मतलब एक जोड़ा बन गया, ठीक है ना। ई आता है एफ यहाँ पे एफ जी एच आई जे के तो यहाँ पे कोई शब्द हमारा मैच नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। फिर हम ई पे आते हैं, ई के बाद में एफ जी एच आई जे के कोई वर्ड हमारा मैच नहीं हुआ। फिर आते हैं सी पे, सी के बाद देखते हैं सी के बाद हमारा क्या आता है अल्फाबेट में डी ई एफ जी एच कोई वर्ड हमारा मैच हमारी जो हम बोल रहे हैं उससे मैच नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ओ पे आते हैं, ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर एस यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग आर पे पी क्यू आर के बाद आता है आर के बाद यस टी तो यहाँ पे देखिए यस और टी आया, टी के पे हमारी आवाज मैच हो रही तो हमारा ये जोड़ा बन जाएगा। फिर आगे आते हैं ए पे, ए के बाद में बी आता है तो ये हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे सी सी भी नहीं है, टी के जो आता है वो ई से क्या आता है बाद में आता है तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जोड़े कितने मिले दो, कितने जोड़े मिले दो डी ई और आर टी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको उनके क्रम को ध्यान में रखते हुए देखना है कि वो वर्णमाला में ठीक उतने ही क्रम पे आया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार कोई अल्फाबेट दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है पी के दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, इससे पहले आप ये कर चुके हैं कि सातवां अक्षर क्या होगा नवां अक्षर क्या होगा हम निकाल चुके हैं, बट यहाँ कहा गया है पी के दाएं से सातवां क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम जब हल करते हैं तो करते क्या है, अगर कहा जाएगा आपसे कि दाएं क्या होगा, जब कभी भी कहा जाएगा दाएं क्या होगा तो दाएं अल्फाबेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे आगे, जितने स्थान कहेगा उतने स्थान हम आगे बढ़ेंगे और जो अल्फाबेट आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहां पे देखते हैं पी से पी के दाएं से सातवां तो पी से हम लोग शुरुआत करेंगे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू कहां पे आए डब्ल्यू, तो हमारा सातवां जो लेटर आएगा वो क्या होगा डब्ल्यू, आंसर हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक ऐसे ही अगर क्वेश्चन होता कि एम के बाएं अभी दाएं किया था बाएं की बात करें बाएं पांचवा पांचवा लेटर कौन सा होगा बताइए हम लोग जल्दी बताइए आई। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं अक्षरों के मध्य संबंध के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रश्न दिया हो
यदि M A N को M B O लिखा जाता हो, यहाँ सब मतलब नहीं होता, यहाँ अक्षर से मतलब होता है, M A N अगर N B O हो, ठीक है ना, तो T U L का मतलब या T U L का संबंध किससे होगा। तो हमें करना क्या होगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें रिलेशन बनाना होगा, देखना होगा कि मैन एन बी ओ से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, एम के बाद में क्या आता है, एम के बाद एन, जस्ट ए के बाद आ गया ना एम एल, है ना, ए के बाद में बी, यहाँ पे भी सीधे रिलेशन एक पे ही आ गया, और एन के बाद में ओ, यहाँ पे भी एक ही डिजिट हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा रिलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वन वन एड हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा, ये वर्ड हमारा क्या है, टी यू एल जो होगा, इसका अगला वर्ड जो होगा उसके साथ संबंध भी क्या होगा, एक बनेगा ना, तो टी के बाद अगला क्या होगा, यू, टी के बाद क्या होगा, यू, क्योंकि एक ऐड करेंगे ना, यहाँ पे पहले वर्ड में एक ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी पहले जो लेटर होगा उसमें क्या होगा, एक वन ऐड होगा, और टी के बाद क्या आ जाएगा, यू, ठीक, दूसरा लेटर जो यहाँ ए था उसमें वन ऐड हुआ था, तो यहाँ पे भी जो दूसरा लेटर है उसमें भी वन हम ऐड करेंगे, तो यू के बाद जब वन ऐड करेंगे तो आ जाएगा वी, यू वी, और एल में भी यहाँ तीसरा जो लेटर था उसमें भी वन ऐड हुआ था, ठीक, इसी प्रकार एल में भी क्या होगा, ऐड होगा, एल के बाद क्या आएगा, एम। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यू वी एम। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। पेपर में ये कभी कभी इस प्रकार से भी लिख के आता है, एम ए एम एन बी ओ एन बी ओ, ठीक है ना, और टी यू एल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, और आपसे पूछा जा सकता है खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, तब भी ऐसे सवालों को हम इसी प्रकार से रिलेशन निकाल के उनके बीच का संबंध क्या है उसके आधार पे हम अगला क्रम कर लेंगे।